नमस्ते एंड वेलकम टू अवर चैनल जस्ट मैरिड। सो गाइस, जैसा कि अभी हम लोगों ने दो दिन दिखाया आप लोगों को गणेश पूजा यहाँ सीपी द यूनिवर्स जो हमारी कॉलोनी है उसके अंदर में काफी मतलब चहल पहल है एंड काफी सारे प्रोग्राम्स इवेंट्स वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं। एंड अच्छी बात यह है कि लोग भी इसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे आर मेंटेनिंग द प्रिकॉशन, बट सारे प्रिकॉशन लेते हुए मतलब अच्छे से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड खुद से चल करके आ रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड आज भी बहुत सारे इवेंट्स है गाइज, अभी तक आपने काफी सारा देखा है तो आज भी देखिए हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे सारे कुछ ना कुछ मोमेंट्स लेकर के आए। एंड चलिए, सो बेसिकली अभी अंताक्षरी होने वाला है, डांडिया होने वाला है, बच्चों के बीच में डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है और फिर भगवान जी का भोग हम खाएंगे और फिर उसके बाद सब कोई आराम से भगवान जी का नाम लेके घर चले जाएंगे। सो गाइज, ये पूरे मोमेंट्स को अच्छे से हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा लाइक और कमेंट करके। सो गाइज चलते हैं। ये टीम जब सॉन्ग गाएगी
आपको क्लियर सुनाई दे रहा था। तो अभी आप सब लोग बड़े लोग बैठे हैं, तो आवाज एटलीस्ट उन बच्चों से कंपेयर कर। ये बच्ची जो है नित्यानंद यहाँ जो हमारे यूनिवर्स अपार्टमेंट में रहते हैं, आप देखिए वो यहाँ नहीं है, राय नहीं ली, इनफेक्ट इस पूजा में भी वो तन से यहाँ उपस्थित नहीं है, पर मन से हर घड़ी उनसे बात हो रही है। इसलिए जो तारीख के हिसाब से होनी चाहिए, और ये बच्ची जो है उन्हीं के घर से है। ठीक है, जोर से तालियां प्लीज, जोर से। वो शिव चांद स्तोत्र जटा टवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम दलम विताम भुजंग कटुंग मालिकां मड्ड 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 विनाड मड्ड मर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु ना शिवं 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 जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिंब निर्गरी विलोल वीति वल्लरी विराजमान मूर्धन सगद 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 ज्वलल लाट पट्ट पाव की किशोर चंद्र शिखरे रति प्रतिक्षरण बवा दरा धरी दृढ़ंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरस्ति गंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धूरणी निरुद्ध दुर्दरापनी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में पिंगलस्फुरत्वणामणि प्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रवव्रजित्त दिग्वधूमुखि मदान्धसिन्धुरस्फुरद्वकुण्डरीय मेदुरि मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरे वैसे मुझे भी थोड़ा एक दो गणेश मंत्र आता है पहले से, लेकिन मैंने भी कल एक चीज नोटिस किया, एक मंत्र था जो इवन सिंगर भी आ रहे थे तो वो पहले उसी से स्टार्ट कर रहे थे, कौन सा मंत्र था? वक्रतुंड महाकाय, बिल्कुल वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये मतलब बहुत अच्छा, ठीक है सब लोग, मतलब मेरे को भी याद है, पता नहीं कैसे, तो इसका मतलब पता है क्या किसी को? इसका मतलब पता है किसी को? कोई भी समझा सकता है, कौन आता है तो बोल दो अगर नहीं पता है। हाँ मतलब इन्होंने मतलब बता दिया, बहुत ही सेकंड लाइन का मतलब था वो। अंकर ने लगभग पूरा सही आंसर दिया, मतलब लगभग सही आंसर दिया, उन्होंने सजाया नहीं, मैं भी शायद बोलता था ऐसे ही बोलता, लेकिन जस्ट मैंने देखा था कल तो मेरे को थोड़ा सा मतलब समझ में आया कि वक्रतुंड महाकाय मतलब कहने का मतलब है कि हे हाथी के जैसे महाकाय गणेश जी, हे हाथी के जैसे महाकाय गणेश जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, मतलब सूर्य के समान तेज जो है, सूर्य के हर किरणों के समान जो तेज है वो मतलब आप में है, ठीक है। एंड लास्ट लाइन आंटी ने सही बोला था कि निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हे भगवान जो भी मतलब मेरा कार्य हो बिना किसी विघ्न के हमेशा उसको पूर्ण करना, उसको सिद्ध करना, ठीक है ना। तो ये है मंत्र का एक मतलब जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा पूजा कर रहे हैं एंड मतलब सब कुछ उसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे को एक और मंत्र भी आता है, मतलब मत पूछिएगा क्योंकि इसमें लगभग सारे नाम ही नाम है गणेश जी के, है ना। तो
ओम गौरीपुत्र गणादच्छ विघ्नहर्ता विनायका वैवाहिकम कार्येषु कुर्यात् मंगलम सदा। तो जितने भी मैंने बोला इसमें से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि सब में गणेश जी का नाम है एंड सब काम को बढ़िया से मंगलपूर्ण कंप्लीट कर दीजिए, है ना। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते।